दोस्तों जैसे ही साउथ अफ्रीका से पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद हार के सदमे में आकर इस खिलाड़ी ने 12 बजे रात लगाई ड्रेसिंग रूम में फंसी और आखिरकार भारतीय टीम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो क्या है इस खबर की पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बीते कल भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, 10 विकेट खोने के बाद भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 101 रनों की विस्फोटक और खतरनाक पारी खेल डाली थी, जबकि ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे और 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। तो वही यशस्वी जायसवाल 17 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने जरूर 38 रनों की योगदान दिया और आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम ने 32 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीतकर क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस का मानना है भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे देश का नाक कटवा दिया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों को कुएं में डूब कर मर जाना चाहिए और खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो फांसी लगा लेनी चाहिए।